यदि इंटर रिलेशनशिप की बात करेंगे डिफरेंट कॉम्पोनेंट के अंदर, तो इसमें हम समझते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन को। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब है इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम इसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन को समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या इंटरेक्शन है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जिसमें और दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक को बेनिफिट हो एक को हार्म हो। ठीक है, तो इसके बारे में लिखें आप पॉपुलेशन ऑफ या पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। इट रिप्रेजेंट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच मे बी विच मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल, जो कि बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इस तरह का इंटर रिलेशनशिप जो है ये कहलाएगा आपका, ये गैलेक्सी A5 जो है ना, अपने रजिस्टर्ड नेम से आप आए देन हम एडमिट कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गया पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, इसके कई टाइप्स हो सकते हैं। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के कई टाइप हो सकते हैं और इसमें कौन कौन सा आता है, सबसे पहला यदि देखेंगे नंबर ए, ए है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सिम बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट होगा। तो इस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहलाता है म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लाइकेन। और लाइकेन किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसमें एल्गी और फंजाई एक साथ रहती है, एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। एल्गी फूड बनाएगी और फंजाई क्या करेगा, इसको शेल्टर देगा। तो इसमें हम देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म में इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू ईच अदर। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे, तो इस तरह का एसोसिएशन कहलाता है म्यूचुअलिज्म। इसका एक एग्जांपल है लाइकेन, इसका दूसरा एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा ये किसके बीच में होता है, इसमें होता है आपका प्लांट रूट एंड फंजाई।
ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। तो पहला इंट्रैक्शन क्लियर हो गया म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के बाद जो नेक्स्ट इंट्रैक्शन हमारे पास में आता है, सेकेंड वन, वो है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है? कॉमन सेलिज्म के अंदर जो दो ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें से एक को तो फायदा होगा और दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। तो इस तरह का इंट्रैक्शन जिसमें एक को बेनिफिट हो जबकि दूसरे को ना बेनिफिट हो ना लॉस हो, वो कहलाता है कॉमन सेलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इन दिस वन पार्टनर गेट बेनिफिटेड, वन पार्टनर गेट बेनिफिटेड वाइल अदर अदर क्या है, अदर रिमेन अनअफेक्टेड। इसको ना तो कोई लॉस हुआ ना ही कोई बेनिफिट हुआ, तो ये कहलाया कॉमन सेलिज्म। और इसका एक एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है शार्क एंड सकर फिश। शार्क एंड सकर फिश, ठीक है, इसमें शार्क और सकर फिश आ जाएंगे। सकर फिश जो है ना, ये शार्क की बॉडी के ऊपर रहेगा और उसकी बॉडी से क्या रहेगा, उसकी बॉडी के ऊपर रह के न्यूट्रिशन लेता रहता है, जबकि शार्क को इसमें कोई लॉस नहीं होती। तो इसको तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन शार्क को ना लॉस है ना बेनिफिट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये दो आप नोट कर लें, आप सभी ने ये नोट कर लिए होंगे। और इसके बाद हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड वन है पैरासिटिज्म। तो आगे बात करते हैं, थर्ड वन हमारे पास आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह सकता है या उसकी बॉडी के अंदर रह सकता है। तो इसमें एक को तो बेनिफिट होगा और एक को लॉस होगा। तो इसमें हम लिख देते हैं, इन दिस वन पार्टनर इन दिस वन पार्टनर और वो पार्टनर क्या होगा, वो पार्टनर होगा पैरासाइट गेट बेनिफिटेड फ्रॉम होस्ट बॉडी। And other get lost, दूसरे को लॉस होगा या फिर बोल देंगे हम लोग क्या होगा इसको, गेट अफेक्टेड। एक को बेनिफिट है एक को लॉस है, और इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जैसे ये है ऑर्गेनिज्म वन, ऑर्गेनिज्म वन हो गया पैरासाइट, और ऑर्गेनिज्म टू क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा होस्ट। तो इसमें इसको तो बेनिफिट हो रहा है पैरासाइट को, तो इसको लिख दोगे प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको फायदा होगा, और जिसको लॉस हो रहा है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसको बेनिफिट होगा उसको प्लस से, जिसको लॉस होगा उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कहलाएगा आपका पैरासिटिज्म। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल यदि देखेंगे तो पैरासिटिज्म में जैसे आ जाता है टिक्स ऑन डॉग, तो टिक्स हो गया पैरासाइट, टिक्स को तो फायदा है, उसको डॉग से क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, और डॉग क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, या फिर लिख सकते हो आप लीस ऑन हेड, ह्यूमन हेड, तो इसमें ह्यूमन हेड तो होस्ट हो गया और लीस क्या हो गई, पैरासाइट हो गई। और भी जो आपके पैरासाइट है उनके आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो पैरासिटिज्म में पैरासाइट को तो फायदा होता है और होस्ट को इसमें लॉस होता है, क्योंकि ये इससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा तो होस्ट को तो लॉस हो रहा है और पैरासाइट को इससे बेनिफिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरासिटिज्म के बाद, फोर्थ है प्रीडेशन। भाई सुनील क्या बात है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रीडेशन के अंदर क्या होगा, प्रीडेशन में भी एक तो प्रीडेटर रहेगा जो शिकारी होगा और दूसरा रहेगा प्रे। जी प्रियंका शर्मा, शर्मा जी बोलिए। बोलिए शर्मा जी। जी बोलिए। सर वो खुशबू ये कह रही है कि उसका पहले नेम एंटर हो नहीं रहा था और अब आप उसको क्लास में नहीं आने दे रहे। खुशबू मैं क्यों नहीं आने दे रहा हूं, मैं तो आने दूंगा किसी को भी। क्या नाम है उसका, वो आज शो ही नहीं हो रही यहाँ पे, दोबारा लॉग इन करे वो। ठीक है। हाँ चलिए तो प्रिडेशन की अगर बात करेंगे तो प्रिडेशन में क्या है, इन दिस वन पार्टनर गेट बेनिफिटेड, इसमें एक पार्टनर को तो फायदा होगा एंड अदर गेट अफेक्टेड, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट किसका होगा, इसमें दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, वही सेम कंडीशन होगी, ऑर्गेनिज्म वन और ऑर्गेनिज्म सेकेंड। जैसे वन हो गया प्रीडेटर शिकारी है और सेकेंड हो गया प्रे, तो बेनिफिट किसको होगा, प्रीडेटर को, और लॉस किसको होगा, प्रे को, उसकी जान चली जाएगी। और इसमें आप एग्जांपल बहुत सिंपल है लिख सकते हैं आप, जैसे लॉयन और डियर, तो इसमें क्या किसको फायदा है, भाई लॉयन को फायदा है, डियर को बेचारे को लॉस है, डियर की जान चली जाएगी, लॉयन को फूड मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रीडेशन। तो हमने चार इंटरेक्शन देख ली। अब देखिए प्रीडेशन के बाद नेक्स्ट इंटरेक्शन जो हमारे पास में आता है वो है कंपटीशन। तो नेक्स्ट इंटरेक्शन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट है कंपटीशन। नेक्स्ट वन है कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को या दोनों ही स्पीशीज को इसमें क्या होगा, लॉस होगा। कंपटीशन की अगर बात करें, इन दिस बोथ दी ऑर्गेनिज्म गेट लॉस या फिर अफेक्टेड, इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को लॉस होगा, दोनों ही अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन की यदि बात करेंगे, और कंपटीशन का यदि आप देखेंगे एग्जांपल क्या हो सकता है, तो कंपटीशन की यदि बात करें तो कंपटीशन में क्या है, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जब क्या होगा, नेचुरल कंडीशंस बदलेंगी, तो नेचुरल कंडीशंस में फूड के लिए दोनों ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, तो सरवाइव करने पर दोनों को लॉस होगा, लेकिन उसमें जो ऑर्गेनिज्म बचेगा उसको फिर क्या होगा, आगे बेनिफिट होगा, मतलब जो कंपटीशन जीत जाएगा उसको बेनिफिट होगा। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट और आप ऐड करिए, इन कंपटीशन, इन कंपटीशन
इन कॉम्पिटिशन बोथ द स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म विच टेक पार्ट in competition get affected, but the ones which wins the competition, get benefited after the end of competition. After the end of competition, Himanshu, बोलिए क्या डाउट है? फिर दोबारा बोल दो. क्या यही जो मैंने अभी डिक्टेट किया है? यस सर. ओके, लिखिए. इन कॉम्पिटिशन बोथ दी species or organism which take part in competition get affected, but the ones which wins the competition get benefited after over the competition. Competition खत्म होने के बाद जो competition जीता उसको हो गया फायदा. ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल लिखिए और यही एक ही एग्जाम्पल आपको इसका याद रखना है. लिखिए, इसका एग्जाम्पल है डेजर्ट कोयोट एंड साइड विंटर रैटल स्नेक. ठीक है, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बोथ दीज एनिमल्स कंपीट या फाइट फॉर फूड. ये दोनों फूड के लिए लड़ेंगे. ठीक है, और फूड क्या है? फूड है पॉकेट माउस. और जो जीतेगा उसका हो जाएगा पॉकेट माउस. एक एग्जांपल इसका आप और देख सकते हो लायंस के अंदर. ठीक है, जैसे जंगल में एक एरिया डिवाइड होता है तो उस एरिया का राजा एक शेर है. जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, और इस इतने एरिया में एक लायन है. ठीक है, ये यहाँ का राजा है और जितनी भी यहाँ पर लायनास होंगी, जो शेरनियां होंगी, वो सब इसकी रानी बन के रहेंगी. जैसे 7-8 लायनास है इसमें, ये सब इसकी रानियां रहेंगी. तो ये अकेला मेल है लॉयन, ये यहाँ का राजा रहेगा. अब जब दूसरा कोई लॉयन इस एरिया से गुजरेगा, लॉयन 2 हो गया जो इस एरिया से गुजर रहा है, तो वो देखेगा कि यहाँ पर क्या है, ये राजा है, इसके पास 7-8 रानियां हैं, तो ये जेलसी फील करेगा इसको देख के. तो ये क्या करेगा, इसको युद्ध के लिए फिर ललकारेगा कि आओ और मुझसे फाइट करो. फिर इनके बीच में कंपटीशन होगा.
इनमें से जो शेर जीत जाएगा वो यहाँ का राजा बन जाएगा और ये रानियां उसकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी कंपटीशन है। इसमें देखो जब कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी, तो दोनों शेरों को क्या होगा, इसमें लॉस होगा, दोनों को चोट लगेगी, दोनों को नुकसान होगा, लेकिन फाइनल में जो जीतेगा उसको फिर आगे बेनिफिट होगा। तो आप एक ये एग्जाम्पल भी इसका लिख सकते हो कि लायंस फाइट फॉर इसके लिए फाइट कर रहे हैं, ये फाइट टू बिकम किंग ऑफ एन एरिया, फाइट टू बिकम किंग ऑफ एन एरिया। ठीक है जी, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कॉम्पिटिशन। और एक एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, एनडीएससी की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, तो ये भी क्या है, कॉम्पिटिशन है। ये एक स्टूडेंट है यहाँ पर रेडमी नोट, ये जो भी स्टूडेंट ऐड होना चाह रहे हैं ना, वो सब लोग अपने नाम से ऐड हो तभी उनको एंट्री मिल पाएगी। चलिए ये हो गया हमारा, समझ में आ गया आपको कंपटीशन की। अब हम लोग बात करते हैं कंपटीशन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, लास्ट वन इंटरेक्शन जो है वो है स्कैवेंजिंग। A B C D E F इसके बेंजिंग, इसके बेंजिंग में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, ये रिलेशनशिप है एक डेड एनिमल और दूसरा जो उसको खाएगा उसके बीच में। इट इज दी is the relationship between it is the relationship between dead organism and its eater। अच्छा अब एक बात देखिए आप भाई, dead organism तो पहले से मर ही चुका है, तो इसको तो ना लॉस है ना बेनिफिट है, लेकिन जो इसको खा रहा है ईटर उसको क्या मिल रहा है, इससे उसको इससे बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये कहलाता है स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो इसमें आप एक पॉइंट लिख दीजिए स्कैवेंजिंग में, पहले तो ये लिख लीजिए आप और उसके बाद इसमें लिखिए इन दिस द ईटर गेट बेनिफिटेड, इन दिस द ईटर गेट बेनिफिटेड by the dead animals or organism remain unaffected, क्योंकि वो तो मर ही चुका है, उसको क्या फर्क पड़ना। इसमें जो dead eater, the eater get benefited, the eater get benefited while the dead organism while the dead organism remain unaffected, dead organism है वो unaffected रहेगा। ठीक है जी, अब ना इसमें आप एक पॉइंट और लिखिए कि जो ईटर है उस ईटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ईटर को बोला जाता है स्कैवेंजर। तो इसमें लिख लीजिए eater also called scavenger, scavenger, eater also called scavenger। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर, एक बार स्पेलिंग दोबारा बोलना उसकी, scavenger। और जो हमारे एग्जाम्पल है यदि इसके देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रो हो गया, ठीक है, जैकॉल हो गया प्रो,
क्रो हो गया, इसके अलावा जैकॉल हो गया, एंट्स हो गई, ये सब क्या है? ऑल आर स्कैवेंजर ईट डेड एनिमल्स, ये डेड एनिमल्स को ईट करते हैं। जी तो ये हो गया आपका, दिस इज कंप्लीट हमारा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो हमने पूरा कर लिया। तो ये जितने भी हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखे हैं ये सब के एग्जांपल आप लोगों को आने चाहिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बाद, नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ हमें टर्म समझनी है जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं, वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती हैं, ये कुछ टर्म हम लोग समझ लेते हैं। तो हेडिंग दीजिए आप लोग स्पीशीज कंसेप्ट या स्पीशीज, हेडिंग दीजिए स्पीशीज। स्पीशीज की अगर बात करें तो स्पीशीज का मतलब है कि ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज में लिखेंगे दीज आर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, these are the number of individuals which are similar in form and physiology, which are similar in form and physiology and they can interbreed to produce fertile offspring. They can interbreed to produce fertile offspring. ठीक है, कुछ और टर्म हमारे पास इसमें आती हैं, जैसे एक आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट एक लेवल है जिसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं और अब नहीं देखे जा रहे हैं। तो एक्सटिंक्ट में आप लिखिए it is an group or level, extinct में लिखिए it is an group or level in which completely eliminated species from the earth are placed। और आपसे इसमें यदि पूछता है कि most recently extinct species किसकी है तो आप लिखेंगे डोडो। डोडो जो है वो रिसेंटली एक्सटेंड करा है। और ये कहाँ देखा जाता था डोडो? ये डोडो देखा जाता था मॉरिशियस में, ठीक है, और अब नहीं देखा जाता। ये बर्ड होता था, फ्लाइटलेस बर्ड, व्हाइटिश कलर का, और ये जो डोडो है ये अब एक्सटेंड कर चुका है, अब ये नहीं देखा जाता। इसके बाद सर स्पीशीज क्या? हाँ जी,
स्पीसीज एक्सटिंक्ट स्पीसीज सर आपने लाइन बोली थी एलिमिनेटेड स्पीसीज के आगे फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द अर्थ ठीक है भाई नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास एक्सटिंक्ट वो आता है एंडेंजर्ड 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 ये जो टर्म है ये यूज की गई है उन ऑर्गेनिज्म के लिए या ये एक ऐसा लेवल है जो यूज किया जाता है उनके लिए कि जो स्पीसीज खत्म होने की कगार पर हैं जिनका हाई चांस है कि भाई ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं जिनका नंबर कम हो रहा है ठीक है जैसे रेड पांडा हो गया ब्लू वेल हो गया वाइल्ड एश जंगली घोड़ा हो गया ये सब क्या है धीरे धीरे ये बहुत कम रह गए हैं ये सब खत्म होने की कगार पर हैं तो इनको बोलते हैं एंडेंजर्ड तो एंडेंजर्ड के बारे में लिखिए इट इज द लेवल विच इज यूज्ड It is the level which is used for the species which are work of extinction. Which are work of extinction. Work का मतलब होता है कगार पे. वर्ग ऑफ एक्सटिंक्शन जो खत्म होने की कगार पे हैं जिनका नंबर बहुत कम रह गया हो और इसमें एग्जांपल देखेंगे तो रेड पांडा हो गया रेड पांडा ब्लू वेल हो गई वाइल्ड एश हो गया ये सब खत्म होने की कगार पे हैं इसके बाद नेक्स्ट वल्नरेबल या वल्न वल्नरेबल की अगर बात करें तो वल्नरेबल के अंदर ये जो टर्म है ये यूज की जाती है ऐसे पॉपुलेशन के लिए जो कि बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हैं ठीक है सफिशिएंट अमाउंट में है लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ये भी एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इसमें लिखिए This term is used This term is used for the population. This term is used for the population which are in sufficient amount, but They are going to depletion or reduced in number. They are going to depletion or reduced in number. ठीक है इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा ब्लैक बक एग्जाम्पल है इसका ब्लैक बक सर सफिशियंट अमाउंट के बाद फिर से बोलना sufficient amount but going to depletion or reduce in number going to depletion or reduce in number example likh lijiye black buck iske baad ek term aur aati hai hamare paas mein aur wo hai rare species ka matlab hai ये टर्म उन स्पीसीज के लिए यूज की जाती है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही देखे जा रहे हैं और थोड़े नंबर के अंदर हैं तो उन्हें देखते हैं हम लोग उन्हें कहते हैं हम लोग रेयर स्पीसीज ठीक है तो इसके बारे में लिखिए रेयर स्पीसीज क्या है दीज आर दी स्पीसीज विच आर naturally found in less in number and in a particular
और लोकलाइज्ड एरिया, इन अ पर्टिकुलर और लोकलाइज्ड एरिया। और इसका एग्जांपल है क्लाउडेड क्लाउडेड लेपर्ड या ऐसे क्लाउडेड लियोपार्ड। ये रेयर स्पीशीज के अंदर मतलब जो बहुत कम देखा जा रहा है। तो इसी के साथ हमने अपने ये टर्मिनोलॉजी भी समझ ली और जो इंटरेक्शन वाला टॉपिक था हमारा वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि इंटर रिलेशनशिप जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में ये हमने कवर कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जाती है फूड चेन। फूड चेन के अंदर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे देखे जा रहे हैं उनके बीच में इंटरेक्शन देखते हैं कि फूड जो है वो किस तरह से एक लेवल से दूसरे लेवल के ऑर्गेनिज्म को मिलता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फूड चेन। चेन में हम एक सीक्वेंस देखेंगे कि एनर्जी एक लेवल से कैसे दूसरे लेवल में ट्रांसफर हो रही है। जैसे हमने सबसे पहली सेकेंड क्लास के अंदर ये बात समझ ली थी कि जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो है सन। सन से एनर्जी आएगी किसके पास, प्लांट के पास। प्लांट उसको कन्वर्ट करके क्या बना देगा, प्लांट उसको कन्वर्ट करेगा और उससे क्या करेगा, उसको उसने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर उस प्लांट को कंज्यूम कर लिया किसी इंसेक्ट ने, तो वो एनर्जी प्लांट से इंसेक्ट में चली गई, या किसी हर्बीवोरस एनिमल ने खा लिया, मान लीजिए किसी गॉट ने खा लिया, तो वो एनर्जी गॉट के अंदर चली गई। और फिर गॉट से वो एनर्जी किस में चली जाएगी, उससे फिर वो एनर्जी ट्रांसफर होगी आगे, तो आगे ट्रांसफर होगी जो हायर एनिमल उसको खाएगा उसके अंदर वो एनर्जी जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी का ना एक सीक्वेंस की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जा रही है, इसे बोलते हैं हम लोग फूड चेन। तो फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, कितनी तरह की फूड चेन होती है और फूड चेन फूड वेब में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें जानने के लिए हमें नेक्स्ट क्लास में मिलना होगा। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे और इन बातों पर मंथन करेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे बात करते हैं। यहाँ तक करके रखिएगा, धन्यवाद।